गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, 40 लाख बकाया, 60 लाख 15 महीने किस्तों में वो जायज़ है। बहरहाल जिस आदमी को मजदूरी है वो व्हील चेयर इस्तेमाल, तंदुरुस्त इस्तेमाल न करे, और मैं नहीं समझता कि कोई तंदुरुस्त इस्तेमाल करता हो। कौन आदमी है जो अपने आप को मरीज बना के पेश करे? ये तुम्हें ऐसे वहम है, वरना कोई ऐसा पागल नहीं हो गया जो ठीक ठाक है लेकिन व्हील चेयर पर बैठा है। हाँ कोई बड़े लोग हों, नखरा हो तो अलग बात है। बहरहाल अगर नमाज में, फ़र्द नमाज में मसलन इशा पढ़ें, औरत भी इशा पढ़ रही है हमारे आगे, फिर नमाज नहीं होगी, वो कोई अपनी नफिल पढ़ रही है फिर हमारी नमाज होगी? यानी वही नमाज हो जो हम पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रही हो, आगे हो या बराबर खड़ी हो, नमाज नहीं होगी। जब मैं रात को सो जाता हूँ तो नींद में बातें करता हूँ, तो अब इसका क्या इलाज है? मैं वहाँ आकर आपको उठाया करूँ, इसका क्या इलाज है? अल्लाह से माफ़ी मांगो, दुआ करो, फातिहा पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम किया करो, या बीवी समझदार हो तो उसको समझा दोगे जब तुम बातें शुरू करो ना तुम्हारा नाक पकड़ रहे। नहीं, ये इलाज है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जिसको हिचकियाँ आती हों या रात को बातें करो उसे नाक पकड़ लो ना, जब मजबूर हो गए समझ फिर बातें छोड़ दो, मजा लेके फिर बातें करें, तजर्बा कर दो रात अपने खावंद के साथ। दम का माना ही यही होता है कि एक बकरी, दुम्बा, बकरी, बकरा कुछ भी है, ये दम होता है। हम यूरोप में रहते हैं, सफर के दौरान नमाज का वक्त आते हैं, हम गाड़ी में बैठ के फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं अदा होते, ज़मीन पे उतर के नमाज पढ़नी होगी। एक है ट्रेन चल रही है जिससे आप उतर नहीं सकते हैं, वहाँ नमाज हो सकती है। एक तुम अपनी गाड़ी पे हो तो साइड पे खड़ा करो या किसी पार्किंग एरिया में जाके खड़ी करो, नमाज पढ़ो। उमरा करने के बाद आदमी अगर अपना हल खुद कर ले कोई हर्ज नहीं, मकसद हल कहें, कोई और करे या खुद करे। दो बंदे कारोबार कर रहे हैं, एक बंदा हलाल पे, एक के हराम के, हराम का जवाब खुदा को देगा, तुम अपने नफा लो। ये कोई 10 दफा ये पूछ चुका है। आप यू फेसबुक पे या यूट्यूब पे कई दिनों के बयान पढ़ लें और इसकी पर्ची भी पढ़ लें। मैंने पहले 2 उम्रे किए, उस तरह से बाल साफ किए, तीसरा उम्रा करना है। उम्रे के बजाय, उस तरह के बजाय कट लगा सकता हूँ? कट या नहीं, चमड़ा काटोगे क्यों? पहले तो उस तरह फिरा हुआ है ना, बाल तो है नहीं, अब कट जो लगाओगे, चमड़ा काटो, जो चमड़ा काट दे वो तो ठीक है, अल्लाह कबूल करेंगे, काटो। अल्लाह के बंदे उस तरह फिरवाओ बाल हो या ना हो। अगर गंजा आदमी उम्रा करे वो क्या करे? वो भी उस तरह फिरवाएगा। मैं आपसे इशा के बाद मुलाकात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं कोई अफसर थोड़ा हूँ कि मेरी मुलाकात के लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर से इजाज़त लेनी होगी, आप नीचे जब चाहे मिल लें। बहरहाल वही मसला है कि अगर बीवी, बाद उलमा कहते हैं कि बीवी खावंद को ज़कात दे, वहाँ कहते हैं उसको भी नहीं दे सकती है। बार वही है ना कि बाद उलमा कायल हैं, बाद उलमा इनकार करते हैं। एहतियात इसी में है कि न दो, तुम बीवी हो उसकी, वैसे मदद कर दो, उसकी ज़रूरी है कि ज़कात दे दो।